हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन्स फेवरेट फूड। चलिए आज बना लेते हैं बिल्कुल अलग और डिफरेंट स्टाइल के नमक पारे। बहुत बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आपने मैदा के नमक पारे तो बहुत बार खाए होंगे क्योंकि हर घर की ट्रेडिशनल डिश होती है वो तो, लेकिन ये बहुत डिफरेंट स्टाइल के नमक पारे हैं। आलू के साथ मिक्स करके इसको बनाया गया है। बहुत बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़े से अदरक को इस तरह से कूट लिया है। आप चाहे तो मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। थोड़ा सा हमें इस तरह से दरदरा ही पीसना है उसको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हरी मिर्ची और अदरक, मैंने इसमें गार्लिक यूज़ नहीं किया। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे भी बहुत बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा। इस तरह से कूट कर मैंने रेडी कर लिया है। साथ में मैंने चॉप कर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैंने लिया है एक पैन और उसको गर्म होने के लिए रखा है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप वेजिटेबल ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या अदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का ऑयल अवॉइड कीजिएगा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। अब इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच भरकर सफ़ेद तिल। इसे थोड़ा सा हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। गैस को हमें लो फ्लेम रखना है क्योंकि तिल काफ़ी तेज चटकता है, तो गैस को लो फ्लेम पर करके इस तरह से इसको पकाएं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। आधा कप ही पानी हमें यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं डाल रही हूँ जो हमने हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट मैंने कूट कर रखा था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं जीरे के साथ ही इसको, मैं इसको बाद में ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, जिससे सबसे ज़्यादा अमेजिंग फ्लेवर आता है। कोई भी मठरी या फिर आप नमक पारे बनाते हैं तो इसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है इन चीज़ों में, तो इसको ज़रूर ऐड करें। और अब इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, चॉप किया हुआ हरा धनिया। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा और इसे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप सूजी। जितना आटा हमने लिया है उसका 1/3 हिस्सा हमें सूजी का लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको। गैस को हमें लो फ्लेम रखना है। प्रॉपरली चलाते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स हो गया है ये। अभी हम इसको इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद मैंने इस तरह का बड़ा बर्तन ले लिया है, आप कोई परात भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैं ले रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। मैं 2 छोटा चम्मच सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ इसमें। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब अब इसके बाद हमने लिए हैं ये 2 बॉइल्ड आलू। आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया है कुकर में। कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने आलू को पहले ही बॉईल कर लिया था। अब इसमें हम इसको इस तरह से घिसकर ऐड करेंगे। कद्दूकस की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा घिस लेंगे इस तरह से। दोनों आलू को घिसकर ही यूज़ करें। अब इसको हम अच्छे से बाइंड करके इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे।
इस तरह से इसका एक डो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से करके थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। किसी प्लेट या किसी कपड़े से आप इसको कवर करके रख सकते हैं। मैं ले रही हूँ इस तरह का ढक्कन और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 10 मिनट हो गए थे, अब हम इसको चेक कर लेंगे। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई आटा तैयार करते हैं तो उसको 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट करने के लिए रखें। अब मैं ले रही हूँ इस तरह का प्लेटफॉर्म, उस पर मैं थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर रही हूँ और हम लेंगे एक पार्ट इस तरह से आटे में से। हम पूरा पार्ट ना लेकर आधा आधा पार्ट करके ही इसको बेल सकते हैं, या फिर आप पूरा पार्ट लेकर भी एक इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा मैं ऊपर से और डाल रही हूँ जिससे ये अच्छे से बेल सके हैं हम इसको, इसलिए। तो अब ले रही हूँ मैं बेलन। बेलन की हेल्प से हम इसकी एक बहुत बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। आप अगर चकला बेलन यूज़ करते हैं तो चकले के अकॉर्डिंग इसकी रोटी तैयार कर सकते हैं। हमें इसको तैयार करना है बिल्कुल रोटी की तरह ही, ज़्यादा मोटा तैयार नहीं करना है और ना ही ज़्यादा पतला तैयार करना है। इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इसके चारों तरफ के किनारों को किसी नाइफ से, या फिर मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा कटर, उससे इसको कट कर लेंगे। आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ का यूज़ भी कर सकते हैं कट करने के लिए। इसके चारों तरफ से किनारों को हमें कट कर लेना है। सिर्फ एक अच्छी शेप के लिए मैं इसको कट कर रही हूँ इस तरह से। आप चाहे तो डायरेक्टली वैसे भी यूज़ कर सकते हैं कट कर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से कट कर लिया है और इसका चारों तरफ का हिस्सा हम जो आटे का है वो निकाल लेंगे और इसको बाद में यूज़ करेंगे। इससे जो हमारे पारे हैं, नमक पारे हैं, उनकी शेप बहुत बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आएगी। सिर्फ इसलिए इसको मैंने इस तरह से कट किया है। अब हम इसको इस तरह से लाइंस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे काफी पतला कट भी कर सकते हैं। अब हमें इसे इस तरह से रेक्टेंगल शेप में मैं इसको कट कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटे छोटे स्क्वायर्स भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, बहुत इजीली निकल कर आ रहे हैं इस तरह से। अब इनको एक एक करके हम सभी को प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह की शेप में बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए, इतना थिक हमें रखना है, मोटा ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। अब हम इनको सभी को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी को निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से कट कर रही हूँ मैं और मैंने सभी को प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने रखा है गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए पहले से ही। अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है तो अब इसमें चाहे तो आप एक एक करके इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इस तरह से ऐड करें जो कलछी में एक साथ सभी को रख लीजिए और एक साथ इसको डाल लीजिए इस तरह से। गैस को अब हमें मीडियम फ्लेम कर देना है जिससे ये बहुत अच्छे से अंदर तक पकें और बहुत क्रिस्पी पककर तैयार हो। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें और तब इनको पकने दें। तो ये इस तरह से रेडी हो गए हैं। देखिए, दोनों तरफ से लटते पलटते हुए मैंने इनको अच्छे से पका लिया है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसमें। इस तरह से रेडी हो गए हैं। ये देखिए, आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, मेहमान आए उनको सर्व कर सकते हैं, बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, बहुत यमी फ्लेवर होता है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा आप इसको और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। इंस्टेंट बनाइए, इंस्टेंट खाइए, बहुत बहुत यम लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।